सुनो, चूना थोड़ा ज्यादा लगा लेना। आपने जो हमें चूना लगाया वो कम है? वो तो चलता रहता है, तेरा उधार चुका देंगे। अरे पटेल साहब के अकाउंट में चढ़ा देना पैसा। अरे जाने दो, ले लो आपके लिए मस्त गर्मा गर्म ठंडा पान। तो हम गए गुलाबपुर, हमने बड़े बड़े पहलवान से पटक 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 के मार, एक को इधर फेंका ईस्ट में, एक को वेस्ट में फेंका। हाँ पता चल रहा है आपकी तबीयत। अच्छा अच्छा, अरे मैं सब पान खाया है। अरे पान यहाँ खाया, ठुकरे क्या वापस कोल्हापुर जाएंगे? ये ठुकरी जी चलेंगे। अरे पाटिल जी, ये आपका ही दुकान समझो, इधर की ठुकरे हो भारत माता की। वाह भाई साहब, क्या काम किया, क्या पेंटिंग बनाई। करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ इमरान भाई, आप मैडम को थोड़ा सा हमारे घर में थैंक यू बोल दीजिए। अच्छा इधर जितने नमस्ते, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भारत पर्यटन मंत्री मंत्रालय की तरफ से IITTM जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है स्वच्छता के लिए। हमारे साथ में IITTM के जो प्रोफेसर अमित तिवारी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस मुद्दे पर क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अमित तिवारी जी, आपका इस मुद्दे पर क्या सोच है? नमस्कार सर, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का स्वच्छता एक्शन प्लान है, जो भारत के तमाम शहरों में लगभग तकरीबन 150 शहरों को अभी हमने चुना है, जहाँ पर हम 3 अलग अलग किस्म के कार्यक्रम कर रहे हैं। शायद आपको याद होगा, आप कल भी मौजूद थे, कल हमने एक स्टेक होल्डर मीटिंग की थी और अगले आज एक और प्रोग्राम हमारा पैरेलली चल रहा है, वो भी स्टेक होल्डर मीट का है, जिसमें 150 शहरों में हमने स्कूल कैंपसेस को विज़िट किया है और डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर टूरिस्ट को डायरेक्टली हमने विजिट टच किया है। मुद्दा हमारा ये है कि हम एक मैसेज दें कि स्वच्छता कितना उपयोगी आस्पेक्ट है। एज़ फार एज़ हमारे को जो फीडबैक मिला है इस कार्यक्रम का, जैसा हमारे प्रिंसिपल मैडम ने बताया और हमारे तमाम भारतवर्ष में जो प्रोग्राम्स रहे हैं उनमें हमारा बड़ा अच्छा फीडबैक रहा है। डॉक्टर संदीप कुलश्रेष्ठ जो निदेशक हैं कार्यक्रम भारतीय पर्यटन यात्रा भवन संस्थान के, उनके निर्देशन में हमारी पूरी टीम पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर जाकर इस किस्म के कार्यक्रम कर रही है। और यकीन मानिए कि स्वच्छता को शायद हम अध्यारोपित नहीं कर सकते किसी के ऊपर, सिर्फ एजुकेशन के थ्रू शायद स्वच्छता को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है परिवर्तन आ रहा है और स्वच्छता के इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों में, जहाँ तक फीडबैक की बात है, मैं ग्राउंड पर हूँ, मुझे बहुत सारे अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिला। महाराष्ट्र में मुंबई में मैं 2 जगह पर गया हूँ, अगला कार्यक्रम हमारा कई और शहरों का है, मध्य प्रदेश में मैं कई जगहों पर गया, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन तो आ रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रिटिकली बोलें, कई लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत जागरूक नहीं थे, लेकिन परिवर्तन आया है और एक सकारात्मक सोच के तरह हम। आप इसके बारे में अपना। सर ये जो प्रोग्राम है मुझे बहुत अच्छा लगा और आई थिंक के जागरूकता लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने भी चाहिए, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के माध्यम से जो है तो ये चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे बन के बड़े सच्चे होते हैं जी। तो वो जो बोलेंगे और वो जो स्कूल में सीखेंगे वो अपने आसपास के माहौल में भी फैला सकते हैं, तो छोटे बच्चों से भी मतलब हम लोगों को बड़ों को सिखाने में आसानी होगी, मुझे अच्छा लगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और पूछनी चाहिए थी कि जो बच्चे अभी आपने बच्चों से भी मिली होंगी, बच्चों का क्या फीडबैक इस चीज़ पर रहा? बच्चे तो बहुत खुश हुए कि उन लोगों ने नुक्कड़ नाटक देखा, यहाँ पर बच्चों को पर्यटन मंत्रालय की तरफ से गिफ्ट वगैरह मिले, बच्चे बहुत खुश हो गए हैं और आई थिंक जो कुछ उन लोगों ने सीखा है वो अभी रोज़ाना अप्लाई भी करेंगे। धन्यवाद मैम। आप अपना एक मैं जानना, आप अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बता दें संजीव वर्ड में। मेरी स्कूल तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बाजार रोड नंबर 1 स्कूल जो है H वार्ड की बहुत अच्छी स्कूलों में मानी जाती है, गिनी जाती है। अरे वाह, आप सभी के लिए जोरदार धन्यवाद, आपके भजन के लिए जोरदार। तो दोस्तों, जैसे साफ सफाई हमारे इधर के हमारे
आने वाले आने जिस तरह साफ सफाई करते हैं वैसे हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि अगर कुछ आप खाते हो, आपने भी ड्रामा में देखा ना, वो लड़के ने खाया खाया और उधर ही डाला, हिसाब करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है। तो आप भी है ना हमारे साथ? जैसे